सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। राष्ट्रगान से दिन की शुरुआत हो, किसी काम को करने के पहले देश के प्रति एक जज्बा और प्रेम हो तो काम करने में सकारात्मक एहसास होता है, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिला एक प्रशिक्षण शिविर में, जहां स्तंभ संस्था और CCL द्वारा CSR के सहयोग से 20 आदिवासी युवतियों को सोहराई पेंटिंग का 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरना समिति धर्मकुड़िया पुराना अखड़ा इमली चौक हरमू रांची में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य के आदिवासी जीवन शैली से जुड़े इस कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, विलुप्त तो हो रही इस कला को सहेजा जा सके, साथ ही सोहराई कला के प्रति जिनका थोड़ा भी रुझान है, सीखने की ललक है, उन्हें इस कला के प्रति जोड़ना है, सोहराई पेंटिंग की बारीकियों को समझाना है, इसे सिखाना है, ताकि जो भी युवतियां गृहिणियां हैं वो इस कला को सीखकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, खुद का एक व्यवसाय के साथ अपने व्यक्तित्व को भी निखार सके, अपनी पहचान बना सके। स्तंभ संस्था और CCL की सराहनीय प्रयास है। कमजोर वर्ग के युवतियां और गृहिणियों को सोहराई पेंटिंग का निशुल्क प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है। मेरा शौक तो ऐसे पेंटिंग करना ही था, कभी मौका नहीं मिला, फर्स्ट टाइम मौका मिला है तो अभी मैं कर रही हूँ। क्या सीख रही हैं आप? सोहराई पेंटिंग सीख रही हूँ। तो कभी सुने थे सोहराई पेंटिंग? जी सुने थे, विस्तार से इसके बारे में पता नहीं था, बस सुने थे, देखे थे दीवार वगैरह में। तो सोहराई पेंटिंग सुने थे, जयश्री इंद्वार जी का नाम सुने थे? नहीं सुने नहीं थे, यहाँ आने के बाद हमको पता चला जयश्री मैम के बारे में। इसके बाद मैंने नेट पे भी सर्च मारा तो मैम का नाम देखे तो बहुत अच्छा लगा कि चलिए हम लोग नेट पे देखे, वही मैम हम लोग को आज सिखा रही है, बहुत खुशी हुई। यहाँ पे पेंटिंग सीखने का मकसद ही यही है कि आगे जाके अपना एक पहचान बनाए, पेंटिंग के दुनिया में एक आर्टिस्ट के नाम से जाना जाए, ये हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अभी तक बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीखे और एक दिन में हम लोग कम से कम 2 ड्रॉइंग सीख जाते थे, और अभी तक हम लोगों को स्केच करने सिखाया गया, वो सीख ली हूँ। फिर हम लोगों को ट्रेस पेपर दिया गया था, उस पर किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से पिनअप करना है, फिर पिनअप करने के बाद हम लोग किस तरह से कपड़े में छपाई करते हैं वो भी सीख लिए हैं। फिर अभी तक हम लोगों को छपाई तक सिखाया गया है और उसके बाद एग्जाम भी लिया गया, उसके बाद आज हम लोग कलरिंग सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है, मतलब कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर जो सीख रही हैं, कैसा वातावरण कैसा है यहाँ का? यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है अभी तक तो। हम लोग जैसे सुबह में आते हैं तो सब कोई सबसे पहले एक दूसरे को विश करते हैं, उसके बाद जब सब आ जाते हैं तो हम लोग प्रार्थना
के तौर पे राष्ट्रगान गाते हैं, फिर हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं चाय और बिस्किट नाश्ते के, नाश्ते करने के बाद हम लोग अपना जो क्लासेस वो शुरू हो जाती हैं, और जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो हम लोग को खाना भी दिया जाता है, फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। तो अभी तक यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे पसंद भी आया और बहुत कुछ सीखा भी है। जो है ये यहाँ हम लोग रांची के हरमू बस्ती में हैं, और यहाँ पर लगभग 20 आदिवासी लड़की और महिलाओं का प्रशिक्षण चल रहा है सोहराई पेंटिंग का। ये लगभग 2 महीने का प्रशिक्षण है। इसमें जितने भी लोग हैं ये लोग कोई कॉलेज में पढ़ती हैं, कोई अपना जीविका चलाती हैं, ऐसे महिलाओं को हम लोग जोड़े हैं जो कभी सोहराई पेंटिंग नहीं सीखी हैं, और इनको हम लोग सोहराई पेंटिंग सिखा करके काम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो स्तंभ संस्था है उसके द्वारा हम इन लोगों को प्रशिक्षण करा रहे हैं, और इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं CCL, जो हमें इन लोगों को निःशुल्क सिखाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि इनसे हम लोग कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं, तो इनको कलर और बहुत तरह की चीज़ें हैं जो इनको देना था। तो हमने CCL से बात की कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को सिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। तो फिर CCL हमें CSR के थ्रू सपोर्ट की है, और इन 20 लोगों को सपोर्ट करके पेंटिंग सिखा रही है। आज जो यहाँ प्रशिक्षण हो रहा है ना, आज आप यहाँ आए हैं तो आज इनका 16वां दिन है। 15 दिनों तक इन जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनको बताया गया कि सोहराई क्या है, और सोहराई का जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे मोर बनता है, कैसे हाथी बनता है, फूल पत्ते बनते हैं, उसके बारे में बता के इन लोगों को ड्रॉ सिखाया गया। आज ऐसा सौभाग्य का दिन है कि आप आए हैं, और आज पहली बार इन लोगों को मिट्टी का जो रंग है हमारा, उससे हम लोग नेचुरल कलर से इनको पेंटिंग करना सिखा रहे हैं। और इसमें यही इनको भी ड्रॉ करके बताया गया कि लाल मिट्टी होती है, हमारे यहाँ पीली मिट्टी होती है, भूरी मिट्टी होती है, और काला के लिए चारकोल यूज़ करते हैं, और सफ़ेद के लिए हम लोग दूधिया मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहले के समय में गांव में जब दीवारों को मिट्टी से पोत लिया जाता था, उसके बाद चूना या हम लोग जो अभी कलर लगाते हैं वो नहीं मिलता था, तो हमारी जो महिलाएं थी वो दूधिया माटी से दीवारों को लीप करके, और फिर उस पर जो 2-3 रंग होता था उसी मिट्टी का, जो 2-3 रंग बहुत नीचे जाने पे थोड़ा गहरा कलर का मिट्टी मिलता था, तो वो सब इकट्ठा करके और उसी से सोहराई पेंटिंग बनाती थी। तो आज हम इन लोगों को पहली बार बताए कि कैसे हमारा जो मिट्टी है, जो हमारे ज़मीन की मिट्टी है, उसी से हम लोग ये सोहराई पेंटिंग कैसे बनाएंगे, यही इन लोगों को आज सिखाया गया। और साथ ही इन्हें ये भी बताया गया कि सिंदूर जो हम पेड़ पे पाते हैं, जो फल रहता है, उसको सुखाने के बाद कैसे उसको सिलवट्टे पे पीस करके, और फिर उससे भी हम लोग लाल या जो हमारा भाखरा सिंदूर जो होता है नारंगी रंग का, तो उससे भी हम लोग पेंटिंग में रंग भर सकते हैं, क्योंकि वो भी नेचुरल है। और हरा रंग के लिए हम लोग पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, सेम का पत्ता हो या फिर नीम का पत्ता हो, उसको जब आप किसी पत्थर पर रगड़ने से उसमें हरा रंग निकलता ही निकलता है। तो आज इन बेटियों को जो इन लड़कियों को सिखा रही हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी यही इच्छा है कि हमारे जो आदिवासी समाज की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो ये पेंटिंग सीख करके आगे बढ़ें, अपने जीविका का इसे साधन बनाएं। अभी तो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं, साथ ही साथ अभी 2 हम लोग लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में भी ये कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कर रहे हैं। लोहरदगा में भी हिंडालको से बात चल रही है कि वहाँ के सुदूर गाँव जहाँ पर माइंस है उनका, वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ भी आके सिखाइए, तो उन्हें कैसे हम निःशुल्क सिखा सकें, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो लोग ब्रश और कलर और ये सब चीज़ व्यवस्था कर पाएँ। तो उनसे बात हुई है कि कैसे हम इन लोगों को सिखाने के लिए प्रयासरत रहें और उनका सपोर्ट हमें मिल सके, तो
कोई ऐसी संस्थान है या कोई ऐसे व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, और वो चाहते हैं कि हमारे इलाके में गांव घर में इस तरह की प्रशिक्षण कैंप हो और आप से संपर्क करते हैं कि हाँ मैम आप कर यहाँ पर क्लासेस चलाएं, तो क्या फिर उसके साथ में आप टाई अप करके ऐसा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हमारी जो यहाँ के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो ये पेंटिंग सीख करके आगे बढ़ें। मेरा मकसद ही यही है कि हम उन लोगों को बढ़ावा दें। प्रशिक्षण ले रही सभी युवतियों को निःशुल्क सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पेंसिल, पेपर, कलर वगैरह के साथ सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन भी बिल्कुल मुफ्त कराया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षणार्थी बिना किसी दबाव, बिना किसी परेशानी के पूरे तन मन से सुहराई पेंटिंग के प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सके। एक हुनर, एक प्रतिभा हर एक के हाथों में हो। सुहराई पेंटिंग खासकर राजधानी रांची के सड़कों, रेलवे स्टेशनों के दीवारों पर हर जगह देखने को मिलती है, जो काफी आकर्षक लगता है। इस कला को बड़ी खूबसूरत तरीके से उकेरने में, पहचान दिलाने में जय श्री इंदवार और उनकी टीम को श्रेय जाता है। सभी चित्र और आकृतियों को जीवंत रूप से दर्शाने की सफल कोशिश है, जो हर आम और खास को सुहराई पेंटिंग की ओर आकर्षित करता है। प्रशिक्षण ले रही सभी प्रशिक्षणार्थी काफी उत्साहित हैं, हर बारीकियों को सीख रही हैं। गृहिणियां अपने बच्चों को भी लेकर प्रशिक्षण शिविर में आती हैं। सुहराई पेंटिंग की ओर इतना लगाव, हुनरमंद बनने की चाहत देखते ही बनता है। प्रशिक्षणार्थी काफी अनुशासित हैं और सुहराई कला को सीखने के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सभी युवतियां, गृहिणियां आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। एक उत्सुकता है इनके अंदर। आइए सुनते हैं सुहराई पेंटिंग की प्रशिक्षण ले रही युवतियां क्या कहती हैं। सबों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। मेरा नाम महिमा तिर्की है और मैं अभी एमए कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ रांची कॉलेज से। मेरा ऑनर्स है रूरल डेवलपमेंट। तो आप एमए कर रही हैं और फिर सुहराई पेंटिंग की ओर कैसे? मुझे छोटे से ही पेंटिंग यह सब में बहुत रुचि था, इसलिए मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ आ गई। तो जयश्री इंदवार को आप जानती हैं? हाँ, मैम से पहले मिले हैं। पहले मिले हैं? हाँ। तो वो क्या करती हैं? मैम पेंटिंग करती है वो, मतलब स्टॉल लगाती है, फिर वो बच्चों लोग को सिखाती भी है। तो उनकी जिंदगी एक संघर्ष, स्ट्रगल से शुरू हुई और आज देश में उनका एक नाम है, स्थान है। तो आप उनके मार्गदर्शन में ये पेंटिंग सीख रही हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम को मैं अपने दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम लोग को यहाँ पे 60 दिनों का ट्रेनिंग करवा रही है। उनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है, अच्छा से सिखा रही है। और ये पेंटिंग सीखने के बाद करेंगी क्या? ये पेंटिंग सीखने के बाद हम, जैसे कि हम लोग के आने वाले पीढ़ी को हम सिखा भी सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग का ये एक आय का स्रोत ही बन सकता है, जिससे कि हम लोग अपने बना के, जैसे कि यह सब हम लोग का पेंटिंग धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, जिससे हम लोग को उजागर करना है, हम लोग को लोगों को बताना है कि ये सुहराई पेंटिंग क्या है। सुहराई पेंटिंग हम जयश्री मैम से पहले कर चुके हैं, कुछ साल पहले वॉल में पेंटिंग करते थे, उसके बाद फिर कुछ कारणवश छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर अभी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो फिर से हम आगे और अच्छा से सीखने के लिए आते हैं। कितने दिन हो गए अभी सीखने? 15 दिन। और ये सीख कर करेंगी क्या? इसके बाद आगे हम और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, और घर बैठे हम इसको रोजगार के तौर पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए और किस तरह से सुहराई पेंटिंग सीख रही हैं, कैसे झुका हुआ इस ओर? मेरा नाम हुआ अमृता रेशमा तिग्गा, मैं हरमो बस्ती की हूँ, और बहुत एक अच्छा मौका ये हमारे लिए है कि हमें सुहराई पेंटिंग सीखने का अवसर मिला, क्योंकि ये सुहराई पेंटिंग हमारे झारखंड प्रदेश का है और ये एक अलग पहचान लेकर के झारखंड को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमें भी मौका मिला है कि हम अपनी पहचान को बिखेरे सारे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी पहचान, इसके अस्तित्व को बनाए रखने में अगर हमारी भूमिका होती है तो हमें बहुत गौरव महसूस होगा।
और ये मौका मिला हमें हमारी मैडम जयश्री इंद्वार के द्वारा, जो कि इतने सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही हैं। हम लोग बिल्कुल पेंसिल भी पकड़ने नहीं जानते थे, लेकिन उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इससे काफ़ी हद तक हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और अपनी पहचान इस सोहराई पेंटिंग के जरिए गांव-गांव देश में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ जज्बा होना चाहिए? जी, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि उम्र कोई विशेष पड़ाव नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहें रहे तो आप वहीं से शुरुआत करके आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बना सकते। तो एमए पढ़ाई करने के बाद क्या बनना चाहती थी? हम तो बनना चाहते थे खिलाड़ी। अच्छा, किस खेल में रुचि थी? जो खेलते थे वो हम लोग नेटबॉल खेलते थे, जो नेशनल तक खेल चुकी हूँ। दिन पहले हम सिलाई भी सीखी हुई हूँ, जो घर में कुछ कुछ करते रहती हूँ, ब्लाउज बनाते रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैम हमको फ़ोन की, बताई ऐसा ऐसा कुछ बात है, मतलब यहाँ कुछ सीखना है। तो हम बोले क्या सीखना है, तो फिर आए मैम से बात उत किए। फिर मैम बोली कि सोराई पेंटिंग सीखना है। कुछ साल पहले हम मैम के साथ सिर्फ पेंटिंग की हुई थी, सोराई मतलब कलर की भरने वाला की हुई थी और पेंटिंग नहीं की हुई थी। तो पहले वो बहुत साल पहले हो गया था, सीख ली थी और अब पेंटिंग कर रही हूँ। मेरा नाम सावी है, मैं इस संस्था में लगभग 3 साल से काम कर रही हूँ। और अभी यहाँ हम लोग नया स्टार्ट किए हैं, ये सोराई पेंटिंग का जो ट्रेनिंग हो रहा है। हमारे बैच में लगभग 22 लड़के हैं और महिलाएं हैं, इनको सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है सोराई का। और इन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसमें सारा सामान जो है वो संस्था दे रही है, जैसे पेंसिल से लेकर कलर वगैरह सारा चीज़ें संस्था दे रही है। और साथ में ये है कि सभी महिलाओं को सुबह में चाय, उसके बाद ये लोग को लंच भी दिया जा रहा है कि वो लोग आराम से लंच करके वो अपना घर जाए। तो आप यहाँ पर किस भूमिका में हैं, मतलब यहाँ पर आती हैं तो करती क्या हैं आप? सर, मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ। जब इन लड़कियों का वर्कशॉप पूरा हो जाएगा तो क्या इन्हें किसी तरह का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा? जी सर, इन लोगों का 6 महीना का कोर्स है, तो इन लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में इन्हें आर्टिजन कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि ये एक आर्टिस्ट कहलाएंगे और ये चाहे तो खुद का भी काम कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के भी काम कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगता है ऐसे माहौल में आकर, ऐसे लोगों से जुड़कर काम करने में? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी को जरूरत होता है कि काम करना चाहते हैं सभी, और यहाँ पे आके सब सीखेंगे, उसके बाद ये अपना काम करेंगे, अपना जो खर्च है, जो अपने जरूरत है वो अपना खुद पूरा करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि सोराई पेंटिंग जैसा प्रशिक्षण हमारे इस हरमू धर्मकुड़िया में दिया जा रहा है, और जितने भी आदिवासी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो इस पेंटिंग को काफ़ी बारीक से सीख रही हैं। ये सोराई पेंटिंग, ये सुनने से ही इसमें अपनापन महसूस होता है, हमारी जो झारखंड की मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ है, और हमारी जो माताएं थी, हमारी जो दादी नानी लोग थी, वो लोग अपने घरों में इस तरह की पेंटिंग किया करती थी, जिसको नेचुरल कलर से, मिट्टी से, चारकोल से, इस तरह का जो नेचुरल कलर है उससे वो पेंटिंग करती थी। तो जब ये पेंटिंग किया जाता है तो उनकी याद भी आती है, और ये सारा चीज़ हमारे इस झारखंड की कला संस्कृति से जुड़ी हुई है, और ये कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर थी, जो आज इस सोहराई पेंटिंग के माध्यम से, और इसके लिए हम लोग जयश्री मैडम का हम लोग धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इस चीज़ को इस तरह से आगे बढ़ाया और इतने बच्चे बच्चियों को इसका प्रशिक्षण दे रही हैं, और आज इस पेंटिंग के माध्यम से यह कला फिर से जागृत हो उठा है। आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची हो या कहीं भी, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो या राजभवन की बात हो या फिर हमारे जो सरना स्थल की जो चार दीवारी है वहाँ हो, ये मतलब ये जो पेंटिंग है वो रांची की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। तो आज ये सोराई पेंटिंग फिर से जागृत होकर जो हमारे बीच में दिख रहा है, आज इस सोराई पेंटिंग को इस तरह के प्रशिक्षण से जब पहचान देने की बात हो रही है, तो इसका जो मांग है
आज वो देश ही नहीं विदेशों में भी इसका काफ़ी मांग है, इसकी पेंटिंग काफ़ी महंगी बिकती है और इससे हमारी जो महिलाएं हमारी बच्चियां जो सीख रही हैं वो कला को जिंदा करने के साथ साथ वो अपना रोजी रोजगार भी इससे बढ़िया कर पा रही हैं। और आज इस सोहराई पेंटिंग को जो पहचान मिल रहा है देश विदेश में, कल के दिन में ये हम लोगों को पहचान देगी, जो बच्चे बच्चियाँ जो सीखेंगी उनका पहचान देश और विदेश में होगा, तो पेंटिंग का भी पहचान होगा और उसके ज़रिए हमारे जो लोग हैं जो कला है हमारे लोगों के बीच में वो उभर कर आ रहा है। हमारे लोगों की पहचान के साथ साथ एक एक चीज़ झारखंड की पहचान, झारखंड की मिट्टी, एक एक चीज़ का पहचान बन रहा है, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।